जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आखिरकार साई राम यादव उर्फ लड्डू यादव पर केस बुक हो गए हैं, जो असदुद्दीन अवैसी को देश का गद्दार और दूसरी वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, इन दफों के तहत केस बुक हुए हैं। अफजलगंज पुलिस ने इस पर ये सेक्शंस के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं, सेक्शन 341, 188 और 504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल की हवा खाने के लिए इसे भेज दिया गया है। अब ऐसे लोग जो भड़काऊ भाषण देते हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों में नफरत डालते हैं, इनको तो पीडी एक्ट बुक करना चाहिए, क्योंकि इसने बकरी ईद के दौरान भी कई फिरखा परस्त बातें की है और ऐसे कई बयान दिए हैं जिसको खुली छूट दे दी गई थी। लेकिन आज अफजलगंज पुलिस की जानिब से बहुत ही बेहतरीन कारनामा किया गया, जो इसे गिरफ्तार करके जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया गया, या फिर इसे हो सकता है जमानत पर भी छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही इसने असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी को देखकर ऐसी बातें कही, असदुद्दीन अवैसी एक मैसेज देकर अफजलगंज पुलिस को ये कहा कि इसे केस में बुक करें, तो फौरी पुलिस ने इस पर अमल करते हुए इन दफात के तहत पर ये सेक्शंस लगाए हैं और इसे अरेस्ट कर लिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ఇక్కడ నాలుగు ఉన్నాయి కదా, అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి. भारत माता की जय। भारत माता की जय।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गायनेकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।